शहरों पर्वतीय विस्तारों करता पण ठंडा थया छे। अयोध्या 3 डिग्री सेल्सियस तापमान साथे उत्तर प्रदेश में सौथी ठंडु रह्यु हतु, ज्यारे नैनीताल में 6.2 डिग्री अने मनाली में 4.4 डिग्री पासे तापमान नोंधायो हतो। आ साथे ज हजु 24 कलाक ठंडी थी राहत मळवानी आशा नथी। सोमवारे उत्तर प्रदेश में ठंडी नी साथे गाढ़ घुम्मस पण जोवा मळ्यु। राज्य में महत्तम तापमान 16 डिग्री ज्यारे लघुत्तम तापमान 5 डिग्री रहेवानी संभावना छे। यूपी ना 32 शहरों में ओरेन्ज एलर्ट जाहेर करवामां आव्यु छे। सीएम योगी रविवारे वाराणसी थी लखनऊ आवाना हता, जो कि विजिबिलिटी ओछी होवाने कारणे तेमनुं प्लेन टेकऑफ कर्युं नहोतुं, त्यारे लखनऊमां गाढ़ घुम्मसना कारणे विजिबिलिटी 100 मीटर सुधी घटी गई हती। हवामान विभागना जणाव्या अनुसार आगामी 48 कलाक बाद उत्तर प्रदेशना लोकोने ठंडीथी थोड़ी राहत मळी शके छे। आ साथे लघुत्तम तापमान पण वधारो थई शके छे। हवामान विभागना निष्णांतो मते वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना कारणे तापमाननो पारो सामान्य रीते वधवो जोईए, परंतु तेनी अपेक्षित असर जोवा मळी रही नथी। एवुं मानवामां आवे छे कि 12 जान्युआरी पछी तापमान फरी झडपथी घटी शके छे, जेना कारणे नवी शीत लहેર આવશે। गोरखपुर की तो ठंड बहुत ज़्यादा इलाहाबाद के मुकाबले, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और मैं वहाँ से सफ़र किया हूँ, तो मुझे नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं, जबकि अब ठंड और कोहरे के लिए अकॉर्डिंग 12 घंटे लग गए हैं मुझे। इसके कारण मतलब कुहेसा भी है और ठंड भी मुझे लग रही है। आप देख सकते हैं कि जैकेट वगैरह पहने, बहुत समस्याएँ आ रही हैं, यहाँ तक कि एक्सीडेंट वगैरह होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, कोहरे हैं इसलिए। ऐसा कि मैं एक्चुअली बनारस का रहने वाला हूँ, यहाँ पे वर्क करता हूँ, अपना मार्केटिंग करता हूँ, तो अभी यहाँ तक मुझे बहुत सारी परेशानी सामना करना पड़ा ठंड की वजह से। जैसे कोहरा पड़ गया है तो बसें स्लो चल रही हैं, कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, जिसकी वजह से आदमी का यातायात पे भी प्रभाव पड़ा ठंड की वजह से। और इतनी ठंडी है कि देखिए यहाँ पे भैया लोग आग जलाए हुए थे, तो मैं पैदल जा रहा था, बोला थोड़ा सेक लूँ थोड़ी देर के लिए, तो बोल सकते हैं कि इसमें इस लास्ट जन सॉरी स्टार्टिंग जन में आपका ठंड बढ़ गया है थोड़ा।